हाय, मेरा नाम मोनिशा हूँ। मैं कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट हूँ। हम लोगों का आर्ट प्रैक्टिस पे सुनने के लिए ज़रूर ये चैनल को सब्सक्राइब करो। नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हमारे साथ मोनिशा मोहन राज उपस्थित हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ड आर्टिस्ट हैं। और वो हमारे साथ बहुत सारी उनकी जो भी आर्ट फील्ड में कैसे आए, उनको काम में किन से इंस्पिरेशन मिलता है, किन की वजह से वो इस तरह की चीज़ें वो करती हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाली हैं। तो मोनिशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाय, मेरे नाम मोनिशा, मैं पर्थ ऑस्ट्रेलिया बेस्ड आर्टिस्ट हूँ। मैं बड़ौदा में 2013 टू 2015 से मास्टर्स किया हुआ है। इसके पहले मैं चेन्नई स्टेला मैरिस में बैचलर्स किया। ओके। और उस बड़ौदा टाइम पे मेरा काम ज़्यादा मेमोरीज पे ऊपर होता है। अभी भी मैं ऐसा ही कर रही हूँ, पर लैंग्वेज थोड़ा सा अलग हुआ अभी। ओके। मेमोरीज में हम जो देख रही हो ना, तो वो हमारा दिमाग में लेयर्स जैसा होता है मेमोरीज, तो उसी वजह से मैंने काम कर रही हूँ, इसलिए मेरा काम पे ज़्यादा लेयर्स होता है। बड़ौदा टाइम पे मेरे काम में ज़्यादा कलर्स हुआ, लाइक कलरफुल था, पर अभी मैं ब्लैक एंड वाइट से काम कर रही हूँ। मेरा काम में ऐसा नहीं है, तो ये मेरा स्टाइल है। मैं एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करती हूँ, ये मेरा काम का इसलिए मेरा काम डिफरेंट होता है अब कभी भी, ये क्योंकि मैं ज़्यादा लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मैं बैचलर्स टाइम पे मेरा मैंने स्टेला मैरिस में चेन्नई में किया। उस टाइम मेरा प्रोफेसर रज़िया टोनी मैम ने मुझे ज़्यादा प्रेशर किया बड़ौदा में मास्टर्स के लिए। सो थैंक्स टू हर आई वाज एबल टू डू माय मास्टर्स इन बड़ौदा। इस कोविड सिचुएशन में लगभग बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है, तो आपके दिनचर्या में किस तरह से परिवर्तन आया, या आपने किस तरह से टाइम स्पेंड किया इन लॉकडाउन में, उसके बारे में कुछ बताइए। मैं अभी पर्थ में हूँ, यहाँ पे कोरोना इतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी दो बार लॉकडाउन हुआ। उस टाइम मैंने सिर्फ गार्डन पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करती हूँ। उस टाइम मुझे वो फाउंड ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना, सीड्स और पत्थर वगैरह, उसे लेके मैंने छोटा छोटा स्कल्पचर्स किया। फिर उस देख के मैंने मेरे को इंस्पिरेशन हुआ कि मैंने बड़े वाले स्कल्पचर करने के लिए, और मैंने वो किया कि बिकॉज ऑफ माय माइंड रिलैक्सेशन। सो यस, मैंने यही किया लॉकडाउन टाइम पे। आप कितना समय अपने स्टूडियो पे स्पेंड करती हैं, और किन किन चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट होता है, तो आप शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी शादी के बाद मुझे ज़्यादा टाइम मिल रहा है काम करने के लिए, तो मैंने मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के बाद मेरे को पूरा दिन मिल रहा है काम करने के लिए, तो आई स्पेंड द होल डे इन माय स्टूडियो। कोई भी मेरे पास एक लाइब्रेरी भी है, लाइक बुक्स ज़्यादा है वो पढ़ने के लिए, और कुछ भी मैं स्टूडियो पे करती हूँ, तो आई स्पेंड द होल डे इन द स्टूडियो। मुझे एक हॉबी है, मैं मॉर्निंग वॉक का टाइम पे मैं कोई भी स्टोन, पत्थर और सीड, बर्ड नेस्ट, कुछ
कुछ भी चीज़ मुझे मिलता है, मैं पसंद आती हूँ, मैं लेके आती हूँ वापस मुझे मेरा स्टेट स्टूडियो को। मेरे मेरे पास सबसे ज़्यादा वो कलेक्शंस है, तो वो देखे मुझे इंस्पिरेशन होता है, पता नहीं क्यों, पर आई लाइक कलेक्टिंग स्टोन्स, सीड्स, बर्ड्स नेस्ट, एग शेल्स, कोई भी। सभी के लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है, आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब और कहां से शुरू हुआ? मेरा लाइफ आर्ट लाइफ में टर्निंग पॉइंट बड़ौदा में हुआ, क्योंकि बैचलर्स टाइम पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर्स नहीं था, सो माय टर्निंग पॉइंट इज़ बड़ौदा, व्हेन आई जॉइन बड़ौदा फॉर माय मास्टर्स इन पेंटिंग, सो या। आपके कामों में एक स्कल टाइटल का एक काम है, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी हमारे दर्शकों को? ये स्कल काम मैंने 2014 में किया है, उस टाइम मैंने मेटाफर्स के लिए ढूंढ ली थी, मतलब पेन और हीलिंग के लिए मेटाफर मुझे चाहिए था, तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं वो बैंडेड को एक्सपेरिमेंट करने के लिए आई वॉज इंट्रीग्ड, और वो भी एकदम ट्रांसपेरेंट था, तो ट्रांसपेरेंसी मुझे पसंद आया, इसलिए मैंने एक काम किया। दिस कल मैंने यूज़ किया कि क्योंकि वो बिकॉज ऑफ द वे अस्कल इज, आई लाइक द फॉर्म, मुझे वो फॉर्म पसंद आया, और स्कल और बैंडेड इट हैड अ एस्थेटिक, तो इसलिए मैंने ये काम किया। इट टॉक्स अबाउट पेन एंड द क्योर, और हाउ वी कम आउट ऑफ द पेन, सो यस। जैसे कि आपने कहा आपके पास बुक्स का कलेक्शन है, तो इंडियन कौन सी मैगजीन्स हैं जिस पे आप फोकस करती हैं? बुक्स में कोई जॉनर नहीं है, मैं आर्ट इंडिया, आर्ट एंड सोल, बुक्स में कोई जॉनर नहीं है, मैं आर्ट इंडिया, आर्ट एंड सोल, आर्ट 21, वो भी मैं पढ़ती हूँ, कोई जॉनर नहीं है, मैं कुछ भी अगर मुझे पसंद आया तो मैं पढ़ती हूँ बस। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि अभी जो नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी, जो भी स्टूडेंट्स अभी लॉकडाउन में इन सारी परेशानियों को झेल रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश देना आप चाहेंगी? सो माय मैसेज, मेरा मैसेज यही है टू अपकमिंग आर्टिस्ट, जो भी करो करो, जस्ट कीप डूइंग व्हाट एवर यू डूइंग, बेनिफिट और वो मत लाइक जस्ट डोंट थिंक ऑफ बेनिफिट्स थ्रू आर्ट, जो भी करो कीप डूइंग व्हाट एवर यू डूइंग, या दैट्स इट। तो मोनिशा, आपसे बहुत बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस तरह के हम नए नए वीडियोस हमेशा हर एक नए आर्टिस्ट का आपको इस प्लेटफॉर्म पे हम लाते रहेंगे, और जिनसे हम बहुत सारे चीज़ें ऐसे हैं जो एजुकेशनल पर्पस से भी हम कर रहे हैं कि नए जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं या नए स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सीनियर आर्टिस्ट या जो भी दूसरे कॉलेजेस से पास आउट जो भी आर्टिस्ट हैं उनके कामों के बारे में पता चले, इसलिए हमारा ये मुहिम है एक तरह से, और हम आने वाले समय में और भी वीडियोस इस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। और दूसरी बात ये कि हम लाइव आर्ट जो स्टूडियोज़ हैं आर्टिस्टों के, हम उनको विज़िट करवाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे, और इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। और इसी के साथ मैं गोविंद विश्वास, आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, और एक ख़ास बात कि कल मोनिशा जी का बर्थडे था, तो इस विशेष अवसर पर ये वीडियो बनाया गया, तो उनको हम जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, और वो इसी तरह से अपने काम में अपने जगह को अपने देश का नाम रोशन करती रहें, यही उम्मीद के साथ हम आज की बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।